हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी। इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं। इस कंपनी के जो दोस्तों सीईओ एंड एमडी है जो दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बोली है, ठीक है, उसको ही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इस कंपनी के पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बातें करें, ठीक है, तो अपने 52 वीक हाई से अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी ये कंपनी हम लोगों को यहाँ पर लगभग लगभग 20% के आसपास यहाँ पर डाउन में देखने को मिल रही है। सो ये भी एक सवाल यहाँ पे अभी सामने आते हुए देखने को मिले, तो उसका भी जवाब यहाँ पे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं कि यहाँ पे टाटा पावर के जो सीईओ एंड एमडी जो है उन्होंने क्या बोला है उसके ऊपर। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग सीधा उसी के ऊपर आगे, आप देख सकते हैं कि एमडी एंड सीईओ प्रवीण सिन्हा जी दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमारी जो कंपनी है टाटा पावर, उसकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो वो बिगेस्ट प्लेयर हम लोगों को यहाँ पे इंडिया की अगर हम लोग बातें करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें ये हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। सबसे बड़ी प्लेयर ये यहाँ पे ईवी चार्जर से रिलेटेड देखने को मिल जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक यहाँ पे हम लोग ऐसा मान के चल रहे थे कि हमारी जो कंपनी है वो ईवी चार्जर से रिलेटेड यहाँ पे सबसे बड़ी प्लेयर है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पे इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रवीण सिन्हा खुद यहाँ पे ये बोले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छी साइन, पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम लोगों के लिए है एंड इस कंपनी के लिए भी यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे यहाँ पे काम चल रही है, उस हिसाब से अगर आप लोग इस कंपनी को आने वाले 5 साल तक होल्ड करते हैं तब भी आप लोगों को एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाएगा, एंड उससे भी बड़ा अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो इस कंपनी को कम से कम आप लोगों को 10 साल तक होल्ड करना चाहिए, तब जा करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, चार्जर है दोस्तों, उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है, सभी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाएंगी, मतलब इजीली वे में देखने को मिलेगा, तो उस टाइम ये कंपनी और भी ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे कमा के आप लोगों को देगी, प्रॉफिट होगा तो रिटर्न्स भी आप लोगों को आराम से मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आराम से आँख बंद करके इस कंपनी को कम से कम 5 साल या फिर 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे आप लोग जनरेट कर पाएंगे, करोड़पति भी आप लोगों को ये कंपनी 10 साल के अंदर बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये काम यहाँ पे कर रही है ईवी चार्जर से रिलेटेड, उसकी वजह से इस कंपनी में लगातार तेजी ही हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, ठीक है। सो जो न्यूज़ थी दोस्तों वो यहाँ पे आपको बता दी गई है। अभी आते हैं उन लोगों के सवाल के ऊपर कि यह कंपनी अपने 52 वीक हाई से 20% यहाँ पे गिरा है तो हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। तो जैसा कि न्यूज़ देखा उसी में आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इजीली वे में आपको डायरेक्टली मैं समझाता हूँ कि एक साल में अगर इस कंपनी के यहाँ तक के डाटा अगर हम लोग देखें, ठीक है, केवल यहाँ तक जहाँ तक गिरावट नहीं हुई है, तो आप देखिए 253% की रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में यहाँ पे दी है, जो कि एक बड़ी रिटर्न्स पावर सेक्टर वाली कंपनियों की ओर से हम लोगों कह सकते हैं कि इतना बड़ा रिटर्न्स यहाँ पे जल्दी आप किसी को नहीं मिलता है। एंड ये बार इस बार केवल ईवी से रिलेटेड यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे उससे रिलेटेड इस कंपनी ने यहाँ पे जो लोग हैं, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को देख करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जिस तरह से इस कंपनी से रिलेटेड बैक टू बैक यहाँ पे न्यूज़ आई है उसके दम खम पे इस कंपनी ने यहाँ पे आप लोगों को 253% का रिटर्न्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर ये 20% गिर भी जाता है तो आप सोचिए कि जो लोग यहाँ पे एक साल पहले इस कंपनी को बाय किए होंगे तो भी वो लोग 212% के यहाँ पे मुनाफे में ही बैठे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 5 से 10 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आप लोगों को एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों, अगर हम लोग इसके आगे की फ्यूचर की अगर हम लोग बातें करें, टारगेट्स की बातें करें,
तो दोस्तों ये जल्द कंपनी आप लोगों को बहुत ही जल्द 300 तक भी जाते हुए देखने को मिलेगी। अभी निफ्टी हम लोगों को 17,500 के आसपास देखने को मिल रही है, ये 18,500 तक जब जाएगी दोस्तों आप देखिएगा कि यह जो कंपनी है वो 300 के आसपास आप लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो होल्ड कीजिए दोस्तों, पेशेंस रखिए, अच्छा खासा रिटर्न्स ये आप लोगों को जनरेट करके दे देगी। सो दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।